एंड जिस में अराउंड वन जीरो थ्री पीपल पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने ली नहीं तो ईरान ने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया सबको दी द्लेम्ड यू एस फॉर दैट ओके एंड फाइनली आ जाती है आपकी आइसिस और आइसिस ने बोला कि ये बॉम्बिंग हमने करवाई थी एंड दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो आइसिस है आइसिस इज योर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ओके इन्होंने क्लेम किया है कि जो बॉम्बिंग हुई थी डेडली बॉम्बिंग अटैक एट किरमान दैट्स इन ईरान जो इन्होंने किल किया था अराउंड हंड्रेड पीपल दैट वॉज डन बाय अस आइसिस क्या है आइसिस है आपकी बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेंट ग्रुप कहना भी छोटा रहेगा दिस इज बेसिकली अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पहले ये आपकी अलकायदा के साथ ही थी ओके एंड इन 2014 इन्होंने अलग आ गई है अपना प्रोक्लेम कर लिया कि हम एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है एक अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ओके सो आइस वॉज फाउंडेड बाय अबू मुसब अल करवाजी इन्होंने फाउंड किया था एंड इट हैड एलिजेंस टू अलकायदा बेसिकली पहले अलकायदा के साथ थी और उसी के साथ पार्टिसिपेट करती थी उसकी एक्टिविटीज में लेटर ऑन 2014 जून 2014 में ग्रुप ने प्रोक्लेम कर दिया था इट वर्ल्ड वाइड कि हम एक कलीफत बनाएंगे ठीक है अपना रूल्स इस्टेब्लिश करेंगे देखो ये है आपकी सुन्नी मेजोरिटी सुन्नी मेजोरिटी ग्रुप है ये और इनका बेसिक एम है टू क्रिएट अ इस्लामिक स्टेट कॉल्ड अ कलीफत अक्रॉस इराक सीरिया एंड बियॉन्ड इनको चाहिए कि हमारा ही रिलीजन हर जगह फॉलो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो ओके एंड फॉर दैट दे डू हॉरेबल स्टफ ठीक है हॉरेबल killing of thousands of people carrying out public executions crucifixion and other acts like that theek hai ye dharm ke naam par ye sab cheeze karte hain use justify karne ka try karte hain just because ye spread karna chahte hain apni okay ab dekho this iran is part of your asia middle east asia middle east काफी इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए बिकॉज़ ये आपका ऑयल सप्लाई करता है सो so, एनर्जी का सोर्स है ये आपका ओके okay, एंड सबसे ज्यादा अनरेस्ट रहता है यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस शिया वर्सेस सुन्नी कम्युनिटी की जो फाइट रहती है उसी की वजह से इनके बीच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और ये हमेशा अनस्टेबल रहता है ओके okay, में देखो इसी वजह से बिकॉज ऑफ द शिया एंड सुन्नी थिंग इवन सऊदी अरेबिया और ईरान की नहीं बनती है बीच में बहुत बार देखा गया कि यूएस ने ट्राई किया चाइना ने ट्राई किया कि इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए बट इट ड नॉट वर्क आउट एंड अब देखा जाएगा कि आफ्टर दिस अटैक फिर से पूरा एशिया मिडिल ईस्ट हमारा अनस्टेबल हो जाएगा और बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट जस्ट वो अनस्टेबल होगा उसकी वजह से सबको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑयल प्रोवाइड करता है सबको ओके okay? सो so, सबको इस वजह से प्रॉब्लम देखी ही जाएंगी मूविंग फॉरवर्ड अब आ जाते हैं यूएस यूएस की स्ट्राइक पे सो so, ने रिसेंटली आपका स्ट्राइक करा है बगदाद पे दैट्स इन इराक ठीक है इराक में स्ट्राइक किया है इन्होंने एक ड्रोन अटैक करा है इन्होंने वहां पे बेसिकली ओके जिसमें से दे हैव किल्ड द मिलिट्री कमांडर ऑफ हसीद अल शाबी हैव किल्ड दिस पर्सन अब इराकी लोग बहुत ज़्यादा इराक की पूरी गवर्नमेंट काफी ज्यादा अन अनहैप्पी अनसैटिस्फाइड कह दो बिकॉज इन्होंने बोला है कि अटैक काफी अनजस्टिफाइड था हमारी इराकी सिक्योरिटी के लिए कि आप एकदम से आए और आपने ये कैरी आउट कर दिया हमारी जगह में ठीक है जो हमारे इंटरनल मैटर था उसमें आप आ चुके हो सो दे वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट पेंटिगिन जो आपका हेड क्वार्टर्स है ऑफ द यू एस यूएस का जो आपका आर्मी का बेसिकली डिफेंस का जो हेड क्वार्टर्स है पेंटिगिन आर्मी नेवी एंड आपकी for सबका हेडक्वार्टर्स क्वार्टर्स ने बोला उन्होंने जस्टिफाई किया है इस एक्ट को अपने एज अ एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द कमांडर उन्होंने बोला है कि ही वाज एक्टिवली प्लानिंग अटैक्स अगेंस्ट यूएस सो इन्होंने इस तरीके से जस्टिफाई किया है अटैक को अब देखो एक जो थिन लाइन होती है बिटवीन uh, कि कितनी थिन लाइन क्रॉस करनी चाहिए आई फील सम टाइम्स यूएस इंटरफेरेंस में वो लाइन क्रॉस कर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइन जो मेंटेन करके रखनी चाहिए दिस इज व्हाट आई थिंक व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट कि जो ये अब यूएस ने स्ट्राइक की है उसके बारे में आपकी क्या व्यूज है डेफिनेटली मैंशन दम डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन आई बी क्यूरियस टू नो कि आप लोग क्या सोचते हो अबाउट दिस बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब यूएस ज्यादा इंटरफेयर करता है तो इश्यूज क्रिएट होते हैं मूविंग फॉरवर्ड देखो हम आ जाते हैं इराक के योर इराक मैप बगदाद इसकी कैपिटल है यहाँ पे वी हैव है ठीक है रिवर देखो रिवर का नाम भी एक बार देख लेना आप ओके मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ न्यूज अबाउट इसरो इसरो में आप देखो आदित्य एलवान ये आपकी सैटेलाइट लॉन्च हुई थी सेप्टेम्बर सेकेंड को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इट वॉज स्टडी सन सन को स्टडी करने के लिए मिशन आपका लॉन्च हुआ था बेसिकली ओके एंड अब फाइनली सिक्स को सिक्स जनवरी की दैट इज टुमारो फोर पी के अराउंड जो एल वन जो ऑर्बिटल थे वहां पर इस सैटेलाइट को सेट किया जाएगा जिसके लिए इसे भेजा गया था सो टुमारो इज गोना बी वेरी क्रूशअल डे फॉर इंटायर इंडिया ठीक है पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल रहता है होपफुली सब अच्छा ही जाएगा ओके सो दिस इज गोना हैपन दिस एल वन सैटेलाइट जो आदित्य एल वन है इज एंटिस टू रिमेन फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स फाइव ईयर तक ये वहीं रहेगी और स्टडी करेगी अबाउट सन ओके ये लॉन्च हुई थी आपकी बाई द पी एस एल वी पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन के थ्रू लॉन्च हुई थी हम पार्ट पे आ जाते हैं so, Vice Chief of Naval Staff, नए हुए हैं आपकी. नए हुए हुए को को कल कल को हुए थे. ठीक है त्रिपाठी बिफोर दैट ये वेस्टर्न कमांड लीड कर रहे थे नेवी एंड इनकी प्लेस में हमने कल स्टडी किया था कि वाइस एडमिरल संदीप ने uh, उनकी प्लेस ली है okay? आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट मूविंग फॉरवर्ड ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन की नई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है एट द नेम इज शशि सिंह ठीक है ये सिर्फ नाम याद रखना अबाउट दिस नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सो अब किस इंडिविजुअल को ये ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया है सो so, रिसेंटली ये दिया गया है प्रोफेसर एड्रियन क्रूस को प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को ये दिया गया है फॉर हिज रोल इन द ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च ग्रुप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च ग्रुप इस वजह से इन्हें ये प्रोवाइड किया गया है इट्स पिक्चर ऑफ हिम देख सकते हो आप यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव नेशनल अवार्ड अब ये दिया गया है फॉर वाटर मैनेजमेंट ओके कंपनी को दिया गया है ये दिया गया है आपका हीरो मोटोकॉप को इस बार 2023 में बिकॉज ऑफ वाटर मैनेजमेंट और इनका एक गोल है एक एम्बिशियस गोल है कि ये 500 परसेंट आपकी वाटर पॉजिटिव हो जाएंगे बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव काफी ज्यादा एम्बिशियपन नेक्स्ट है मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स अब एक स्टेट है इंडिया में जिसने सारी एक्सीडेंट प्रोन साइट्स को मैप कर दिया है द स्टेट इज पंजाब पंजाब ने किया है ये जो भी लोग पंजाब से हो और देख रहे हो कमेंट जरूर करना ओके okay? एंड ये इन्होंने किया है इन्होंने 784 एटी फोर एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स इन्होंने मैप किए हैं यूजिंग द ऐप मैपल्स ये ऐप आप है आपका मैपल्स मैपल्स ऐप जो बनाया गया है बायो मैप बायो मैप माई इंडिया ओके सो इसने ये डेवलप किया है दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें याद रखेगा अलोंग विदाब ने ये किया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली आपकी फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैलवीनो ठीक है नादिया कलवीनो फर्स्ट फीमेल है प्रेसिडेंट जो आपकी अपॉइंट हुई दूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक अब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है सो ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन को ही ये लैंड करता है पैसे इसका हेडक्वार्टर है लक्सनबर्ग में ओके एंड इस्टैब्लिश हुआ था आपका अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम इन 1958 1958 में इस्टैब्लिश हुआ था तीन बेसिक पर्पस है लेंड करेगा ब्लेंड करेगा एडवाइस देगा उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा आपके यूरोपियन यूनियन को मूविंग फॉरवर्ड डेनमार्क के ऊपर आपकी न्यूज आई है सो so, रिसेंटली जो थ्रोन भी बैठी हुई थी आपकी क्वीन डेनमार्क की वो आफ्टर फिफ्टी टू स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द थ्रोन द नेम ऑफ द क्वीन इज क्वीन मार्गरे टू देखो इनकी इमेज आपके लिए डेनमार्क देखो डेनमार्क यहाँ पर है इसकी आपकी कैपिटल है कोपन हेगन ठीक है रिमेम्बर द कैपिटल दैट्स इंपॉर्टेंट ओके क्स्ट वी हैव दी डी जी दी न्यू डी जी फर्स्ट डी जी डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र ठीक है ऑफ पुलिस डीजी ऑफ पुलिस और महाराष्ट्र नेम है इनका देखो ये इनके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं द नेम इज रश्मि शुक्ला इससे पहले ये डीजी थी आपकी एस एस बी की शास्त्र सीमा बल की ओके okay? नेक्स्ट हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है आपका ओके okay? और ये जो इनिशिएटिव है दैट्स नेम आफ्टर रानी दुर्गावती के ऊपर नेम है आपका द नेम इज रानी दुर्गावती अन प्रोत्साहन योजना ये योजना लॉन्च हुई है अब रानी दुर्गावती कौन थी सो so, 1524 ट्वेंटी फोर में शिवज बोर्ड और ये किस डायनेस्टी से थी आपकी चंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी चंदेला डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने आपका खजुराव टेम्पल बनाया था ओके इन दिलेवेंथ सेंचुरी ओके दैट इज इंपोर्टेंट यहां पे चंदेला डायनेस्टी से खजुराव टेम्पल बनाया है नेक्स्ट हम आ जाते हैं केरला के ऊपर सो वॉट इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय केरला गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है आपका बेसिकली द एप्स नेम इज के स्मार्ट ऐप के स्मार्ट ऐप सो दैट जो सारे इनकी टीयर ऑफ ऑर्गेनाइज सेल्फ गवर्नमेंट है वो एक ही जगह यूनिफाइड आ जाए द नेम ऑफ द ऐप इज के स्मार्ट फुल फॉर्म है इसकी केरला सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ओके फुल फॉर्म याद रखना है ऐप की और किसने लॉन्च किया है केरला ने लॉन्च करा है देखो आप यहाँ पे देख सकते हो केरला की स्टेट मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द वोकैब पार्ट आज के टॉप फाइव वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं हम फर्स्ट वर्ड इज रिगर रिगर डिस्क्राइब्स अ कंडीशन ऑफ टिफनेस और स्ट्रिक्टस जब कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो या स्टिफनेस हो जिसमें तो रिगर्स ओके सेकेंड वर्ड इज मेटल मेटल मीन्स पर्सनज एबिलिटी टू कोप वेल विथ डिफिकल्टीज जो पर्सन ईजिली डिफिकल्टीज से कोपअप कर जाए डिफिकल्टीज से पार कर जाए थर्ड वर्ड इज रूथलेस हैविंग नो पिटी और कंपेशन और बींग क्रूअल और मर्सीस ओके फोर्थ इज डिच डिच कर देना किसी प्लान को डिच कर देना ट्राई करना कि इस 2024 में आप लेनेस को डिच कर दो ओके अबैंडन इट और गेट रिड ऑफ बिकॉज यू नो लॉन्गर वॉन्टेड फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज सर्च दैट मीनस लार्ज इंक्रीज इन समथिंग दैट हैज प्रीवियसली बीन स्टडी और हैज इंक्रीज और डेवलप्ड स्लोली एकदम से किसी चीज में इंक्रीज हो जाए जो धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका बड़े इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट वी हैव कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे हु रिसीव्ड प्यूबिटी एथलीट ऑफ दर अवार्ड सो ये है विराट कोहली आपकी नेक्स्ट देखो आपके ऑप्शन में थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉल से एसोसिएट करते हैं देन वॉज नाउमी ओसाका ये टेनिस प्लेयर है आपकी एंड साइमन बाइल्स ये जिमनास्ट है ओके okay? दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली हिट ऑन द लाइक बटन इज मीन लॉट टू आस सब्सक्राइब कर देना चैनल एंड शेयर कर देना ये वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स विद दैट एंड दिस वीडियो है थैंक यू फॉर वॉचिंग